रिजल्ट अच्छा है, सब अच्छा है, सबका साथ मिला, हाफिज जी का साथ मिला, उनकी पूरी टीम मेरे साथ में थी, रात दिन काम किया डायलॉग में, जो राइटिंग में था उनकी पूरी टीम का सहयोग किया, इसका नतीजा फिल्म इतना अच्छा बन गया है। क्या क्या उम्मीदें हैं सर इससे आपको, इस फिल्म से? क्योंकि जगह संस्कृत में पिक्चर बनाई ऑडियंस नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ देश को बदलूँ, हम लोग मणिपुरी भाषा के माध्यम से, संस्कृत माध्यम की भाषा से और असमी उड़िया के, हम लोग चाहते हैं देश में बदलाव आए, देश एक हो। इसमें म्यूजिक की बात करें, किस किस ने दिया है म्यूजिक की? अगर ने दिया, मैंने भी दिया, वंदे मातरम मेरा ही था। अच्छा, आपने इसके लिए कितनी तैयारी की, कितना वर्कआउट किया आपने? मतलब तैयारी भी करी, 24 घंटे काम, उसी लाइफ जीता हूँ, मेरे लिए आसान था काम करना। ये चंद्रशेखर की लाइफ के ऊपर कि कैसे चलते थे, कैसे बात करते थे, कैसे रहते थे, उसके ऊपर कितनी आपने? मेरे दादा की मुलाकात आज़ाद से हुई थी, चश्मा आज़ाद से हुई थी कानपुर रेलवे स्टेशन पर, तो कहने के वो बचपन से थॉट था और मैं खुद ही आज़ाद हूँ, लाइफ जाहिर है काम करने में आसानी हुई, पर जी परिवार के जीवन में रहा, मिलिट्री स्कूल स्टूडेंट हूँ 10 साल वहाँ रहा मैं, तो आज़ाद के विचारों के आसपास हमेशा रहा। ये जो है बॉम्बे टॉकीज को एक नया मतलब पुनर्जन्म कहेंगे उसका, क्या कहेंगे इसके लिए? इसको पुनर्जन्म कह सकते हैं, हमने उसको पुनर्जन्म कहना मुश्किल नहीं, उस पर कुछ धूल थी हमने सफाई की। अपने दादा के इसको कितना ऊपर तक लेके जाएंगे अभी, और इसके साथ में और कितनी फिल्में फ्लोर पर हैं? उनके जैसा तो बखेर बनना मुश्किल है, लेकिन हमारी कोशिश होगी उनके सपनों को पूरा करें, और विचार अच्छे रहें, गंदगी ना हो, वल्गरिटी ना हो, एक क्लीन और अच्छी पिक्चर, देश को जुड़ने वाली फिल्म बनाए और बना दी। एक चीज़ है, शायद आज की जनरेशन इस चीज़ें नहीं जानती होगी, कौन है राजनारायण दुबे, एक बार आप बताना चाहेंगे? अभी पिक्चर देखें बताएंगे। नहीं, जैसे कुछ लोग हैं कि कितने लोगों को इन्होंने ब्रेक दिया है, बड़े बड़े आर्टिस्ट को, क्या सैकड़ों लोगों को एस्टैब्लिश किया है, सैकड़ों फिल्में बनाई है, तो हम जैसे आपको अपनी बुनियाद, जैसे लोग कहते हैं, जैसे किसी ने कुछ देर पहले पूछा कि भाई आप पुराने नाम को लेकर क्यों चल रहे हैं, खुद ही अपना काम करो, मैंने कहा भाई आपको अपने बाप दादा पुरानी प्रॉपर्टी चाहिए, उनके निर्माण किया है, उसमें मणिपुरी भाषा का मोशन पोस्टर लॉन्च किया हमने, और बात मुझे बहुत खुशी है कि पूरे विश्व को जोड़ने की दिशा में योगदान रहा, खड़े रहे साथ में राइटिंग में, जो जहाँ डायलॉग की दिक्कत आती थी लेकिन टीम काम करती थी, इनका सहयोग मुझे मिला, बहुत खुश हुआ, और पूरा विश्व के साथ साथ भारत भी एक पुलिस एक पुलिस एक रहेगा, ये मुझे पूरा उम्मीद है। सो इस लैंग्वेज मतलब क्या सी बात थी, सभी लैंग्वेज करना, ये लैंग्वेज करना, ये मैं सोचा था नया क्या करें, बॉम्बे लोग वापसी हुई इतने सालों बाद, तो नया क्या करें, आज़ाद का व्यक्तित्व अछूता था, उसने काम किया और देश का पूरा पूरा, मेरा मानना है कि हिंदुस्तान के बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा हिस्सा, कई राज्य, अरुणाचल प्रदेश हो गए, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, हिंदुस्तान से कटा हुआ है, मेरी इच्छा थी कि हम कोई ऐसा काम करें जिसको जोड़े, तो आज़ाद और राष्ट्रपुत्र बहाने हमने सबको जोड़ने की कोशिश की है, इसलिए कई भाषाओं का निर्माण मैंने किया। सो काफ़ी जिक्र हुआ बॉम्बे टॉकीज़ का भी, उसके अप्स एंड डाउन की बात हुई, तो कितना प्रेशर आपको कि न्यू तरह से लेके चलना? देखिए दबाव तो जाहिर है कि चीज़ें इतिहास में लेगेसी को लेके चलते हैं हम लोग, बाप दादा पुराने परंपरा पालन करना कठिन काम होता है, बस राष्ट्रवाद लेके चल रहे हैं, सनातन भारत गौरव के लेके चल रहे हैं, बस देश में कई कमियाँ हैं उसको लेके चल रहे हैं, तो आज की तारीख जो प्रासंगिक है, आज भी जरूरत आज़ाद से विचारों की है, इसलिए उनको पकड़ा उनको लेके आया। फिल्म में दो दिखा रहे, आज़ाद भी दिखा रहे, आप नए भी दिखा रहे, क्या क्या कहानी के लिए? आज़ाद थे तो क्या थे, अगर आज़ाद होते तो क्या होते, कहानी कल से कल आजकल की कहानी है। कहाँ का शूटिंग हुई थी फिल्म की? हमने हिंदुस्तान कई हिस्सों में शूटिंग किया है, स्पेशली आज़ाद जहाँ जहाँ गया, झांसी हो गया, इलाहाबाद हो गया, काकोरी कांड जहाँ की दुआ, लखनऊ हो गया, बनारस हो गया, प्लस दिल्ली हो गया, हरियाणा, कई हम शूटिंग किया जहाँ आज़ाद गए थे, जहाँ गए तो आज भी जहाँ जरूरत थी किया। तो लैंग्वेज अपने डब की है कैसे? 6 भाषाएं हमारी ओरिजिनल है, 17 भाषा में डब की। मेरे साहित्यिक जीवन की शुरुआत जेएनयू से, मेरा पहला जो कार्यक्रम वहाँ से हुआ, मेरा पहला शुरुआत वहाँ से हुई, मैंने कहा जो भी पहले कहा उसका कई जो जवाब में जेनू लगे थे स्टूडेंट, ऐसा नहीं, जेनू सब कुछ है, वहाँ वामपंथ भी है, वहाँ पे आसी कई और भी लोग हैं, वहाँ की जो कमियाँ हैं दूर करने की कोशिश आ रही है, जवाब मिले थे भारत रिलेटेड पूरे होंगे इन शाला जवाब बहुत जाकर जवाब दिया, भारत में जमीन पुरानी हुई है। ये जो चीज़ है कह रहे हो ये फिल्म हाँ, जो मैं कह रहा हूँ फिल्म का हिस्सा है, जो मैंने सोचा जो जाना जो मेरे अंदर था मैंने भी फिल्म दिखाने की कोशिश की। अच्छी अच्छी बुरी चीज़ आ रही है, जो अच्छी उसके एक्सेप्ट करिए आज, मुझे लगता है कि जेएनयू
शिक्षा संस्थान, इतना बेहतरीन शिक्षा संस्थान है, वो जन्नत है शिक्षा के क्षेत्र में। अगर वहाँ उस कमियाँ को दूर करने का हमारा आपका काम है, देश में अगर कमियाँ हैं तो परिवार गंदगी होती है, चीज़ों को करने का काम होता है, सब बुरे इक्का दुक्का चीज़ों की वजह से उसकी छवि खराब हुई, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और ठीक करेंगे। आप वहाँ से हैं तो ऐसी क्या है, वहाँ से नहीं, मेरी साहित्य जीवन शुरुआत वहाँ से, मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसी क्या है कि जेएनयू के जो छात्र हैं वो देश के खिलाफ बोलते हैं, कश्मीर को लेकर ऐसी क्या चीज़ें हैं आपको लगता है जो आपके जो स्टूडेंट्स इक्का दुक्का लोग डिस्ट्रिक्ट राजनीति करते हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ें डेवलप है और सब विरोध भी करते हैं, पूरा देश विरोध करता है। क्या कौन पसंद करेगा इस नारे को, भारत के टुकड़े में इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्या अच्छा है आप पसंद करोगे, नहीं ना तो जवाब दोगे ना, तब जो जहाँ पे उस जवाब देते, मैंने जवाब दिया पब्लिक मान दिया, तो वहाँ भी कार्यक्रम लिया मैंने, अब यहाँ भी किया। सर क्या कहेंगे, आपने पूरी प्रोमो देखी, आपने पूरी गाने देखे, सर क्या कहेंगे सर आप? मुझे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ महसूस किया, इंडियन यूनियन बट दिस टाइम आजाद हैज प्रिपेयर टू इंक्लूड अस इन अ बिग मूवी इन अ इंडियन बॉलीवुड मूवी दैट Meitei loans are included. This is the greatest part. I think this film will be a great success. कितना टीच किया आपने मणिपुर लैंग्वेज के लिए सर, कुछ टीच की बताएंगे? टीच तो मैंने थोड़ी की भाई, एक्सपर्ट है हम एज अ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, हम कभी के बिकॉज टू सो सॉलिडेरिटी विद लैंग्वेज दैट ही हैज पुट इन, सो बिग कांग्रेचुलेशन टू राष्ट्रपुत्रा। सर अरे सर वाई संस्कृति, संस्कृति में बहुत कम लोग आज के दौर में बहुत कम लोग समझेंगे, बहुत कम लोग इन्हें चुने हुए निकालते हैं, समझना होगा सर, क्योंकि मराठी हिंदी संस्कृत की लिपि एक देवनागरी भाषा, आप याद को याद नहीं करोगे, मूल को याद नहीं करोगे, उसके आधार पर भारत थोड़ी कठोर ठीक नहीं है। अभी कुछ देर पहले कहा कि आपको अपने बाप कहता है कि पुरखों की प्रॉपर्टी चाहिए, लैंड चाहिए, खेत चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, सोना चाहिए, लेकिन पुरानी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हो। आपको अगर पुरानी चीज़ चाहिए तो उनके संस्कार भी लेने होंगे, आपको स्वाधीनता की बात करनी होगी और पुरुषार्थ भी हो रहे हिंदुस्तान को ठीक भी करना होगा। सो आजाद राइटिंग की आपने, स्टोरी की आपने, सो कितना प्रेशर था इस चीज़ करना, क्या सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या लगा? डिफिकल्ट नहीं था, मैं सोचता जो मैं सोच रहा हूँ ठीक से पिछड़ाइज हो जाए, देखिए पिछड़ाइज करने की कोशिश की, दबाव नहीं था, खाली मैं जो चाहता हूँ, जो मैं अंदर से हूँ, जो चाहता हूँ वही दिखाई दी, और दबाव की खैर काम का जो शुरू होता है, शाम सुना है तो जल्दी सुना है, सुबह उठना है दबाव रहते हैं, दबाव नहीं, सारा काम कित किया पूछना था नहीं, तो मुझे काम पर आसानी है, अगर कई लोग रहते काम तब हर कदम में दिक्कत होती, कोई रास्ते में था नहीं आजाद के बारे में हर कोई जानता है, इसमें डिफरेंट क्या दिखने मिलेगा हमें और कुछ अलग चीज़ें नहीं छुई है, म्यूजिक के बारे में कुछ बताएंगे आजाद जी? शाहरुख खान का बर्थडे आजाद जी, म्यूजिक के बारे में कुछ बताएंगे? म्यूजिक आपने सारा किया, म्यूजिक भी किया? नहीं गा रहा, वंदे मातरम, वंदे मातरम इसलिए किया कि जो वंदे मातरम मैंने शूट किया, जो मैंने गाया वो 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अली बंधु के विरोध कर उसको निकाल दिया, दुर्गा दशमी धाड़ी, वो मैंने शूट किया, उसको रिलाइज किया, उसको गाना दिया। आज की तारीख में जो वंदे मातरम राष्ट्रगान जो विवाद हुआ था, मैं राष्ट्रगान के रूप में जनगणमन हूँ वंदे मातरम, तो उसके विरोध की वजह से राष्ट्रगान निकल गया था, वंदे मातरम मैंने शूट किया गया, मैं ग्यारह अफीदारी किया। गिरीश दुबे से आज़ाद बने क्यों? जन्म से आज़ाद हूँ, आज से नहीं, कहने के लिए कोई विक्रमादित्य कहता है, अभी कोई किशोर कहता है, कोई रुद्र कहता है, कोई सभा सचिव कहता है, मेरी टीम मुझे इस रूप में देती हूँ नाम जानते हैं, वो आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद जन्म से ही। Press the bell icon on YouTube app and never miss another update.